हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी जैसे पिछले व्लॉग के एंडिंग में कैफ ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं टाउन, तो समधानी जिद कर रहा था क्रेटा से जाने की। तो अभी समधानी ने कुछ रूल बताया, क्या बताया मम्मा रूल, बोल जल्दी। पुलिस वाला देखिएगा ना, चार जन बैठे ये बोल। हाँ बताए, हम जिद कर रहे ना हम लोगों को क्रेटा लेके चलो, क्रेटा लेके। तो हम लोग नहीं 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 कर रहे ना, तू तो अरे पुलिस वाला देख ले तो हम लोग चार जन बैठे ले। बताओ चार जन कहाँ से बैठे हो? हाँ कैफ बोलता है पुलिस वाले लोग, पुलिस वाले देखे तो चार जन बैठे। बताओ कहाँ से कहाँ का दिमाग दौड़ा है। तो चलो गाइस, अभी हम लोग निकले। मैं थोबड़े पे मेरी कुछ भी नहीं लगाई हुई थी, कैफ ने मेरे को जिद करे कि लगा लगा लगा, तो मैंने लगा लिया अभी उनके बोलने पे, और इसी पाउडर और टेंट और कुछ भी नहीं। तो चलो ये वाला टेंट है, मेरा दूसरा टेंट है, सीक्रेट टेंट है, मैंने अभी तक रिवील ही नहीं करी ये वाला टेंट। तो चलो आपसे टाउन पहुँच के मिलते हैं। ये देखो कैसा चादर बाटा लिए तो उसमें तक बैठ गया मस्त। बाय सैनो, कहाँ जा रहे हो आप? सो गाइस, हम लोग टाउन पहुंच चुके हैं और देख सकते हो अब टाउन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि दिन हो रहा है, तो इतनी पब्लिक भी बाहर ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे देखेंगे तो और भी ज़्यादा होगी। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं रहमान शाह बाबा के यहाँ पर सलामी देने के लिए, आप लोग भी दे दीजिए माशाल्लाह। टच नहीं करना सर, मालूम है। अरे पब्लिक है ना, कैसे डाल रहा है साइड में, साइड में काम पीट डाल। तुबारानी के लिए, तुबारानी के लिए ये ले। बॉटल कितने क्यूट क्यूट है देखो। पसंद आई समधानी? अरे क्या है, क्या बोले क्या बोले? नजर मेरा लिमका देके तुमने काट, मेरे हाथ में सब कुछ को देके रखिए, थैली दे दिला इधर अभी। चल चल चल, क्या ले रहा है सैम? तो अभी भाई साहब की फरमाइश पहुंच ले रहे हैं। दो दिना वॉच अपू शॉपिंग करा रहे हैं, हमको भी करा रहे हैं, पर्स दिलाए हैं जीजू ने हमारे। ला सुना मैं आवाज तेरी, चल 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 चल, पैसा लेने का रे इन लोगों दे दे अचानक से भैया का नाम। सलाम सलाम कर रहे, देखती करती नहीं बहुत इसको वो है। हां गाइस गाइस, इसको देखो आज ये पागल हो गई है, पीके बन के घूम रही है। चले आगे चल,
अरे वो शामी, चल 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 आगे आते हुए देख लेना ना शेरिन, कुकर कितना छोटा है। हाँ बड़ा भी मिलता है, चल देखो वहाँ सामने अभी मैं जूम करते हुए नहीं दिखा सकता, फटाफट आगे बढ़ रहे हम लोग। क्या लाइट दिखा, ये देखो मेरा हैं दिखा, इजीली आएगा। अरे मॉडल सर 7 साल बोल रहा तुमने, आएगा ना तो इला ये 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 लास्ट तो छोटा कर, मैं देखी नहीं तो मेरे सब क्या है? हाँ किटन है, किटन गाइस, कितना प्यारा सा बच्चा है, इसकी माँ पता नहीं कहाँ है यार, बहुत छोटा सा बच्चा है। इसकी माँ ही छोड़ के गई देगी उसको यहाँ। गाइस इसका मूड नहीं था आने का, मैंने इसको लेके आया और मेरी गलती हो गई, मैं ज़बरदस्ती इसको लेके आया, परेशान करके रख डाली ये लड़की ने। क्यों ना ऐसा वाला? नहीं वैसा वाला, नहीं नहीं वैसा वाला, वैसा वाला, अरे वैसा वाला, ऐसा वाला नहीं, वैसा वाला, वैसा वाला। परेशान कर दी इसका मूड थोड़ा ख़राब था, मैं इसको लेके आया, चल मैं जाने तो शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा करेगी तो शायद थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। इसका मूड अभी इतना फ्रेश हो गया कि चलने का नाम नहीं ले रही अभी रिटर्न। तो गाइस बहुत सारा सामान लिए है, अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न मीनारा मस्जिद के तरफ, ठीक है वहाँ जाके भी देखते हैं क्या कुछ खाना है या नहीं खाना है पता नहीं, या डायरेक्टली बाइक लेके घर पहुँचेगी, अब जो भी आपका आगे हम लोग बताते रहेगी। सो जो भी कुछ सोच रहे टाउन आने का, फिलहाल तो नहीं आना तो बेटर है क्योंकि मार्केट पूरा खाली है। तो 20वें रोज़े 21वें रोज़े के बाद यानी आखिरी अशरे के टाइम ही आना तो आपको यहाँ पे स्टॉल वगैरह चालू मिलेंगे, वरना अभी तो कुछ नहीं के बराबर है। ठीक है मिलता आपसे थोड़े टाइम में। गाइस अभी हम लोग घुसे मीनारा मस्जिद की गली में, देखो यहाँ पे एक दुकान पे ये चप्पल की और यहाँ पे एक दुकान पे जैनब दीदी चप्पल की, दोनों चप्पलों के पीछे पागल जैसा भाग रहे, सिर्फ भाग ही रहे। शॉपिंग में बोलो ना दोनों पागल हो जाते शॉपिंग के लिए। सो गाइस अभी मीनारा मस्जिद के यहाँ से चप्पलों की शॉपिंग तो हो गई दोनों बहनों की, और अभी पीते खड़े यहाँ पे नींबू पानी, देखो सबके सब नींबू पानी पीते खड़े, और अभी अंदर घुस के कुछ खाते क्योंकि 4 बज चुके ऑलरेडी यहाँ पे, 4:05, 4:10 होने आ गए, तो सीन ऐसा हो जाएगा ना कि अभी अगर नहीं खाएगी और निकलते भी है यहाँ से तो घर पहुँच रहे होते 4:40, 4:45 बज जाएगा, और फिर घर जाके भी खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर है कि हम लोग यहीं पर खाए पिए और घर पहुँच के जाके फजर की नमाज का भी टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह जब तक। तो ठीक है अभी जो भी है जैसे भी आगे हम लोग घुसेंगे तो आपको बता दें, और अभी भी बहुत पब्लिक है, ऐसा नहीं है पब्लिक है अभी भी। तो गाइस हम लोग घुसे मीनारा मस्जिद की गली में, खाओ गली में, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हो रही हैं तो हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से रिटर्न। अब देखते हैं, अब पता नहीं मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करने वाले, तो अभी यहाँ से पहले बाइक के पास पहुँचते फिर उसके बाद आगे डिसाइड करते क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अल्लाह हाफिज़, इतना जल्दी नहीं, बाद में मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस बहुत मज़ा आया, मेरा भी थोड़ा मूड भी सही हो गया, बस सर दर्द नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा, दुख रहा है, मैं इग्नोर दुख रहा भी है अभी भी। हाँ मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ, बट मैंने इतना लेके आया, मैंने दर्द दर्द जाएगा कुछ नहीं जा रहा। अरे बाप रे, इतने टाइम के बाद तेरा मूड खराब था ना, इसीलिए जबरदस्ती मैंने आने की बात की, पर जान मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो मैं समझ लेकिन मेरे लिए नहीं आया, तुमको लेना कुछ नहीं था, तुमको खाना बहुत कुछ था।
साची बोल साची ने। तो अभी हम लोग निकल गए, चादर मैंने ले ली और पूरे जितने थैली सब कुछ थे वो सब जैनब के इधर शिफ्ट कर दिए और अभी हम लोग निकल गए। देखते हैं अभी शहरी के हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्या अगर यहाँ पर से कुछ दिखता है तो यहीं से कुछ देख लेंगे, वरना जो है देखा जाएगा। हाँ, मेरे को आगे का कुछ नहीं मालूम। कहाँ से जाने, घर जाने का ना शहरी? तो रुको गाइस, मुझे थोड़ी शहरी नहीं करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में बिग कोला था, ऑरेंज वाला। मैं मस्त पीते पीते जा रही थी तो जैनब ने बोली कि ठंडा है। अच्छा तो सुन, मुँह लगा के पी। तो मैंने बोली नहीं, तो बोली अच्छा दिखा जरा, ली मेरे हाथ से और सीधा गायब हो गई। चलो बोल के देखो, वो तो सिर्फ ढक्कन दे के चली गई है मेरे को। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं ये जिग, हाँ दो टाकी के यहाँ पर, और अभी यहाँ पर हम लोग आए चाय और ये अपना मलाई पाव खाने के लिए इधर ये नागौरी सूफी दरबार पर, और समदानी देखो एकदम चूर चूर, उसको बहुत नींद आ चुकी है अभी। तो गाइज लास्ट के कुछ चार बचे थे चादर और मैंने इनको खा ला, कोई खाचा पैक दे दी। और वहाँ पर देखो बकरा बैठा रहा, वो मुँह चला रहा है। तो कैफ क्या बोले तुम, शहरी के टाइम की जुगाली कर रहा है, शहरी के टाइम की जुगाली कर रहा है बोलते। अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, चाह रहे हैं अभी घर में। तो मलाई पाव दो दो खाई, मजा आ गया एकदम मेरे को, क्योंकि उस दिन मैं कैफ को बोल रही थी मुझे यहाँ की चाय पीना है, पर ये आदमी ने मेरे सुने नहीं थे, मुझे तो बहुत अच्छा। अभी ये टाइम पर फटाफट ऐसे दे रहे ना कि अब इसके लिए इतना वो कर दी। मलाई पाव वॉज लाइक हेवन, जैसे लेना लो। तो चलो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, आपसे घर पहुँच के मिलते हैं। जैनब के आ गई थी क्योंकि मेरा पूरा सामान लेना था, वो ले ली और अभी हम लोग जा रहे घर। सो गाइस सुबह हो चुकी है हमारी, ठीक है अभी जोहर की नमाज भी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया हूँ मैंने। और अभी जा रहा हूँ मैं कुछ काम से बैंक, थोड़ा बैंक में एक काम है, फटाफट से जाके वो काम पटा के आता हूँ, फिर आकर आपसे मैं मिलता हूँ। सो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर जैनब बना रही है चिकन मलाई टिक्का, मैं नहीं आई थी, मैं लेट आई, इसकी वजह से जैनब ने प्रोसेस स्टार्ट करी। क्या क्या डाली इसके अंदर? इसमें मैंने चीज़ डाली हूँ, क्रीम चीज़, और इसमें मैंने डाली हूँ बटर डाली हूँ और हरी मिर्ची, और फिर उसके अंदर कोथमीर वगैरह क्रश करके उसमें डाली हूँ मैंने, और अभी मैं डालूँगी उसमें चिकन टिक्का मसाला भी डाली हूँ मैंने, और हल्का सा गार्लिक पेस्ट है। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ बेसन लाने के लिए, क्योंकि बेसन नहीं तो फटाफट जाके मैं लेके आ के मिलती हूँ। आंटी थोड़ी खाई दूंगी। सो गाइस हम लोग आए हैं अभी मदनपुरा, तू कहाँ बता, हम लोग आगे जा रहे हैं फैंसी मार्केट की तरफ ना, क्या भाई ये राइट लुक है, आगे से सीधा सीधा से रहेगा, हाँ क्योंकि ये रास्ता जाम मिलेगा। अच्छा जा रहे झूला मैदान गाइस, बहुत टाइम हो गया हमको निकल के, बट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था। मालूम मुझे भाई गाड़ी चला रहे, पहले साइड में रुकते फिर आपसे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऑटो से, क्योंकि बाइक मेरे पास नहीं है, और R15 की चाबी भी कैफ के पास है, और बस मैं भाईजान के पास है, भाईजान गए मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, बाइक लेके गए। अब मैं कहाँ जाऊँ चाबी लेने, मैं ऑटो से चले आते हुए, ऑटो से लेके आगे ही मार्केट है, तो मैं आगे शॉप से ले लूँगी जो जो सामान हो, बेसन चीनी सब ले लूँगी। और मेरा मूड इसलिए अपसेट है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगी अभी थोड़े टाइम बाद। सो गाइज हम लोग है झूला मैदान के पीछे के साइड पे, और हम लोग का आना था डिस्काउंट बाजार, तो अम्मी खास करके यहीं के लाए, जो लास्ट टाइम हमको हमने ऑलरेडी बताया था ना कि हमको जो सामान आया हुआ था ठीक है प्रमोशन के तौर पे, तो हमको अम्मी को और सामान चाहिए था, तो अम्मी यहाँ पर आ गए, और एड्रेस यहाँ पर है ठीक है, फैंसी मार्केट आगरीपाड़ा मुंबई 11 ठीक है। तो डॉट झूला मैदान ये रहा सामने, और उसी के सामने है ये। तो मैं काफ़ी टाइम से शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था, और फ़ोन में चार्ज भी नहीं थी, तो फ़ोन चार्जिंग पे था फ़ोन। और अभी अम्मी अंदर खड़े चेक कर रहे क्या क्या सामान चाहिए अम्मी को,
ठीक है वो देखो आप देख सकते हो, आप देखते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनके पास। अगर इनका कोई, हाँ इनका इंस्टाग्राम पेज तो मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, बट फिर से एक और बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो प्लीज़ चेक करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है इनके पास। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल के बड़े, उसके अंदर चने की दाल, कोथमीर, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा अदरक डाली अक्खा और धनिया पाउडर और जीरा डाल दिया अभी, और इसको पहले ग्राइंड करूँगी, नमक बाद में डालूंगी। तो गाइस मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है एक पिंच डाला, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, और मैं थोड़ा सा अरारोट भी डालूंगी बट अभी नहीं बाद में, पहले एक और बार मैं ग्राइंड करूँ। तो गाइज यहाँ पर जैनब ने ना ये एक बैटर बना के रख दी थी, इसमें बेसन, कोथमीर और कुछ भी नहीं डाले कोथमीर के अलावा कुछ वेजिटेबल डाली है नहीं ना, सिर्फ कोथमीर डाली है, जीरा डाली, नमक, मिर्ची, हल्दी और इसका गोला बना, पानी यूज़ करिए थोड़ा सा ना, एकदम थोड़ा सा पानी यूज़ करिए, देख सकते हो उसका थिकनेस, देख सकते हो कितना प्रॉपर है, क्योंकि ऐसे में ही भजिए बराबर बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मिर्ची के भजिए, अभी मैंने मिर्ची डाले है और यहाँ पर आलू रखा है और यहाँ पर कांदा रखा है, तो ये ही इसी में ही बेसन में पूरा हो जाएगा। तो फटाफट अभी हम पहले मिर्ची के भजिए तल के लेते, फिर आलू के, फिर कांदे। सो गाइज हम लोग मदनपुरा से आगरीपाड़ा से मतलब निकल रहे हैं, मैं गया आगे अब गाड़ी पिकअप करने, गाड़ी लेने के लिए गया था मैं आगे से, और अभी यहाँ पे इतना जाम हो गया है कि अम्मी इन लोग वहीं पे खड़े हुए सामान लेके, और मैं अभी तक चल के कम 4-5 राउंड मार लेता, और मैं थोड़ी दूरी पे ही मतलब इतना जाम है, कुछ प्रोसेशन जा रहा है, ठीक है यहाँ पे आगे कुछ प्रोसेशन लेके जा रहे हैं वो लोग, और क्रिश्चियंस लोग का कोई प्रोसेशन जा रहा है, तो मैं वो चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ वरना फिर आड़ी टेढ़ी बात होगी। तो वो लेके जा रहे, तो शायद यहाँ पे क्योंकि चर्च है ना, सेंट एंड्रूज मराठी चर्च है, तो कैसे यहाँ पे चर्च वाले हैं ना, तो प्रोसेशन यहीं पर रुक गया चर्च के पास ही, और मेरे को लेना है लेफ्ट बट मैं अटक गया हूँ अभी वहाँ पे, अम्मी गर्म में खड़े रह गए तो वो अलग बिन मतलब भड़क जाएगी, कोई नहीं उनको तो पता है, दिख ही रहा होगा वहाँ से यहाँ तक के पूरी जाम में रास्ता, क्योंकि पूरे पुलिस वाले लोग ने रोड जाम किए, मतलब तोड़ तोड़ के ट्रैफिक छोड़ रहे वो लोग भी, उनकी भी गलती नहीं क्योंकि उनको करना पड़ता है ये चीज़। तो ठीक है अभी फटाफट से पहले वहाँ अम्मी के वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से देखते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले, और जैसे भी होगा जो भी होगा बताते रहूँगा, बहुत सी चीज़ें नहीं बता पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ड्राइव कर रहा था और मैं शूट नहीं कर पाया, फिर एंड में जैसे हम लोग मदनपुरा एंटर किए तो मैंने रूबी दीदी के हाथ में फ़ोन दे दिया, मतलब रूबी दीदी भाई अब तुम थोड़ा तो एटलीस्ट शूट कर लो कि अपन यहाँ यहाँ आए हैं करके, क्या हो रहा है। चलो ठीक है अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ आगे बढ़ते, फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए वीडियो। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डोंगरी के बाजार में, और मैं कैफ का रोजा रास्ते में खुला है, अभी यही हो गया, देखो बर्फ वाला भी है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब है अभी भी आधा घंटा है, पहले गए थे आगरीपाड़ा, फिर इसके बाद है अभी हम लोग डोंगरी बाजार पे, अभी यहां से थोड़ा मुर्गी वगैरह लूंगी मैं, फिर बताऊंगी, बने रहना। अलहमदिल्ला घर पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया पहुंचे, और इफ्तारी मेरी रास्ते में ही हुई,
सो इफ्तारी मेरी रास्ते में हुई थी, तो मम्मी लोग को बिल्डिंग के नीचे छोड़ के बाइक लेके पहले भाग गया मस्जिद, नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के आया, अब जाके कुछ खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़ा आया आज की इफ्तारी में। और जितने बजे बने थे सब कुछ ख़त्म हो चुके खाके हम लोग ने, और अभी मैं रेडी हुई हूँ, रेडी मतलब फ्रेश व्रेश हुई हूँ, रेडी मतलब पाउडर वो सब लगाई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ क्या बोलते हैं सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फैशन अबाया। ये देखो शिरेन और अम्मी दोनों अंदर घुस रहे और गाड़ी वहां पार्क कर, क्या गिरी क्या ये यहाँ गाड़ी में ना ईसा सोई थी, मैं डालूंगा वो क्लिप देख लेना, दोनों जन सोए थे। तो अभी अंदर जाते हैं, पहले क्या है क्या नहीं फिर हमें देख के आपको बता दें। तारीफ हो रही चूड़ी की। सो गाइस ऑफर्स के बारे में तो आपको पता ही है, 50% फ्लैट ऑफ बाहर, 30% फ्लैट ऑफ अंदर, ठीक है। सो फटाफट आइए फैशन अब में, काफ़ी नया स्टॉक आ चुका है, देख सकते हो आप मम्मी वहाँ पे खड़े हुए, ठीक है। सो आ जाओ जल्दी जल्दी, और कस्टमर्स है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो यहाँ का बुरका पहन के डिसाइड कर रहे। और माशाल्लाह ये बहन भी अगले महीने उमरा के लिए जा रहे हैं, और इन्होंने अम्मी की वीडियो देख के आए, और विरार से आए, काफ़ी दूर से आए ये, ठीक है। चेहरा नहीं दिखाऊंगा उनको बिना पूछे, और ये आप लोग भी देखो ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे ब्लैक कलर का बुरका। तो गाइस जो भी जेन्युइन है, जेन्युइन कस्टमर्स खड़े और वीडियो हम दिखा रहे हैं, ना कि पब्लिक को बुला के खड़ा करके दिखावा नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो जो है जेन्युइन चीज़ें हैं, देखो अभी भी आप खुद से ही आए, हमने किसी को बुलाया नहीं, ठीक है। चलो जो भी ऑफर्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, फटाफट आओ और लेके जाओ। अभी इतना प्यारा ब्लू कलर देखो काका के हाथ में मिल गया, काका को अम्मी का फेवरेट भी ब्लू कलर, अभी चद्दर में मस्त काका सोएंगे। गाइस अभी अम्मी आए हैं समीर अंकल से मिलने के लिए, और पहले हम लोग गए थे मेरे ससुराल में, तो वहाँ पर भी जाके दीदी एक सेकंड ना मैं जरा उतरती हूँ, क्या है क्या है क्या नाम इसका, गुच्ची गुच्ची नहीं है क्या, कौन सी जाते हैं ये, डॉबरमैन डॉबरमैन तो जो काटता नहीं वो है क्या, गुच्ची तुम तेरे गुच्ची है, गुच्ची खा ले खा ले खा ले सुंदरनी को खा ले, कितना पट रहा है मस्त में गई अभी यहाँ पर गुच्ची। हाँ सब फ्लैट रेंट में है, क्या चाहिए गाड़ी खोल, क्या चाहिए तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, देखो जैनब खाना खाने बैठी, और कैसे बैठी है, अलग से घी और चावल, लेकिन इसको घी चावल बंद हो जाएगा, और यहाँ पर चिकन का सालन और चावल बना है, तो ये हम लोग खाने बैठे हैं। गाइस इतने इसने इतना खाना खा ली ना कि इसको चलने भी भारी पड़ रहा है, एक हाथ में कचरे का थैला, एक हाथ में क्या कुछ और थैली, और एक डब्बा है हाथ में जिसमें चिकन लेके जा रही है मामा को देने, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक लेता हूँ, और अभी निकल रहे हैं घर के लिए, तो घर पहुँचते फिर आपसे हम लोग मिलते हैं, सब बने रहिए। सो गाइस सीन ऐसा था कि व्लॉग का एंड करना कल रात को हम लोग भूल गए थे, तो शेयरी वगैरह कर लिया, और नए व्लॉग की ओपनिंग भी करना हम लोग भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, नए व्लॉग की ओपनिंग तो अभी थोड़े टाइम में हम लोग कर ही लेंगे। बस यही खत्म होता है हमारा ये वीडियो,
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल केएफ शेरन ब्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस।